आज का जो ध्रुपद का जो कार्यक्रम है, आज हमारे कार्यक्रम में जो देश के जाने माने ध्रुपद गायक हैं, जिसमें बासमुद्दीन डागर साहब हैं, डॉक्टर मधुभट तेलंग हैं जो जयपुर से आई हैं, और श्री ब्रजभूषण गोस्वामी जी हैं, वो अपना दिल्ली आकाशवाणी से आए, और उस्ताद बहाउद्दीन डागर वो हैं। तो हमारे चार प्रस्तुतियां हैं, और क्योंकि और हमारे शेखर सेन जी जो कि पद्मश्री मिला हुआ है, और वो दिल्ली एकेडमी के चेयरमैन हैं, वो आज के हमारे इनॉग्रेट करेंगे कार्यक्रम को। हमारे चीफ गेस्ट श्री सुरेश चतुर्वेदी जी हैं और अलका चतुर्वेदी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश दमानी जी हैं। ये हमारा आज का कार्यक्रम है जी। हमारा समन्वय जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये पिछले 10 साल से इस तरह के आयोजन कर रहा है, लेकिन ये जो ध्रुपद समारोह है, ये पहली बार इस तरह का 2 दिन का कार्यक्रम कर रहा है। और क्योंकि 2 दिन इस तरह के आयोजन को करना, ये बहुत ही कठिन होता है, और भगवान की कृपा से क्योंकि हमें सभी का सहयोग मिल रहा है, भक्ति कला क्षेत्र, और इसके अलावा जो है हमें जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर, उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है, और हमारा ट्रस्ट, ये तीनों मिलकर, और जो यहाँ के इस्कॉन मंदिर के जो श्री सूरदास जी महाप्रभु जी, उनके आशीर्वाद से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम हर साल ये ध्रुपद का आयोजन करें, और क्योंकि ऐसे समय में जो ध्रुपद गायकी के द्वारा सारी जितनी भी गायन शैली हैं वो सब ध्रुपद से निकली हैं, ख्याल ठुमरी, तो कम से कम ये सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ध्रुपद क्या है, और उस गायकी को हम आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। जी, इसके लिए हम क्योंकि जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, जो फिल्म के माध्यम से, उसके माध्यम से हम इसको जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों तक वो किस तरह से पहुँचे, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और थैंक यू। बस एक मिनट।
मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुंबई में आयोजित हो रहे ध्रुपद महोत्सव का एक छोटा सा अंश बनने का मुझे अवसर मिल रहा है। ध्रुपद भारतीय संगीत का आधार है, जैसा कि ध्रुव शब्द से ही स्पष्ट है कि जो अचल है, अटल है, और इसलिए जितनी भी भारतीय संगीत की धाराएं हैं, उन धाराओं की जो गंगोत्री है वो ध्रुपद से शुरू होती है। आज जब हम अपनी पुरानी विरासत को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह का संगीत गाते थे, तो उत्तर भारत में विशेष तौर पर केवल ध्रुपद और धमार ही ऐसी परंपरा है जो हमें ये बता पाती है कि आज से 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले किस तरह का संगीत भारत में प्रचलित था। और ये संगीत दरअसल मनोरंजन के लिए नहीं था, ये आत्मरंजन के लिए था, आत्मा के उत्थान के लिए था। और इसलिए हर मंदिर में पूरे भारतीय समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्रुपद का गायन होता था। और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इतने वर्षों के बाद भी हमारी ये धरोहर अक्षुण्ण है। परंतु जैसा कि होता है कि हर महान चीज़ को संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, संवर्धन की भी आवश्यकता होती है, तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, ध्रुपद से प्यार करें और ध्रुपद की गायकी को सीखें और उसको प्रचारित प्रसारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।